everyone, back to another video. आपका आज की वीडियो में स्वागत है. आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसका टाइटल है फ्लावर शो 2020 इन अहमदाबाद. वाह, मुझे लग रहा है हम अहमदाबाद की काफी ज्यादा डेवलपमेंट देख रहे हैं. कुछ पुरानी मतलब पिछले दिनों से काफी सारी वीडियोस इस तरह की आ गई है जिसमें अहमदाबाद का जिक्र काफी. बिल्कुल सही बात है. वेल, इस वीडियो की हमसे रिक्वेस्ट की है प्रशांत पाठक ने. और फ्लावर शो है तो डेफिनेटली किसको नहीं अच्छे लगते होंगे, सबको बहुत अच्छे लगते होंगे, देखने में बहुत मजा आएगा. लेकिन उससे पहले इस वीडियो का और इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को. उसके अलावा आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें. चलिए पहले देख लेते हैं फ्लावर शो एंड देन वी विल डिस्कस हम लोगों को कैसे लगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. वाओ, फ्लावर से डेकोरेट किया है ना. ओहो, वाओ, पूरा फ्लावर से है. नीचे से कितना अच्छा सा फ्रॉग सा बना हुआ है. ओके, हार्ट, ये तो बहुत जरूरी है भाई हर जगह पे. गेंदे का फूल है ना. गेंदा होता, गेंदा नहीं होता. चलें, रोज था है ना. वाह, मोर डेंगू लग रहा था मच्छर. स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल करण भावसर में. और आज मैं आया हूँ फ्लावर शो 2020 देखने. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. लेट्स गो. फ्लावर आगे पता नहीं क्या लिखा है. रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर हम लोगों ने देखा था याद है. फ्लावर टावर पार्क है दरिया के आगे होगा ना, ये आपके पास होगा. वाव, अच्छा मैं ना ये पानी जो फ्लावर पड़ती है ना मूवी में बड़ी सी लगती है. गेट बनाया है जहाँ पर फ्लावर से पीकॉक बनाया गया है. भारत का नेशनल एनिमल पीकॉक. हाँ, व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर पक्षी बर्ड देख सकते हो. पीकॉक बनाया गया है. सो ये है एंट्री और एंटर होते ही यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है अहमदाबाद फ्लावर शो 2020 जहाँ पर जो गांधी जी ने जब दांडी मार्च की थी उसकी प्रतिमा यहाँ पे बनाई हुई है. सो यहाँ पर पीछे वर्टिकल गार्डन है. अच्छा, ये जो फ्लावर शो है वो 4 जनवरी से 15 जनवरी तक चलने वाला है. तो ये जो गार्डन बनाया गया है इसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आई है 2 करोड़ रुपए. यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो मंडे टू फ्राइडे आते हो तो यहाँ पर है 20 रुपीज प्राइस. अगर सैटरडे संडे आते हो तो आपको यहाँ पर टिकट लेना होगा 50 रुपीज का. ज्यादा टिकट चाहिए तो आपको 50 रुपीज यानी 100+ वहाँ से भी आप टिकट परचेस कर सकते हो ताकि यहाँ पर आकर आपको लाइन में 2 करोड़ तो लगाए मेरे को. फ्लावर पार्क है वो अप्रोक्सीमेटली 88,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है जिसमें 750 यानी कि 750 स्पीसीज है फ्लावर्स की और अप्रोक्सीमेटली 10 लाख से ज्यादा यहाँ पे फ्लावर्स प्लांट किए हुए हैं. ये जो फ्लावर शो है वो हर साल होता है जिसे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ऑर्गेनाइज करती है. तो यहाँ पर फ्लावर्स के काफी अलग अलग तरह के स्पीसीज है जैसे कि ऑर्चिड्स, लिलियम, पेंटूनिया और भी काफी सारे यहाँ पे स्पीसीज यहाँ पे प्लांट किए हुए हैं. तो सबसे पहले तो आप नए हो तो मेरे YouTube चैनल करण भावसार को सब्सक्राइब करो. नीचे जो लाल वाला बटन दिख रहा है उसे प्रेस करो ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे. सो यहाँ पर जो फ्लावर्स बनाए गए हैं उसकी थीम है मलेरिया मुक्त गुजरात 2022. सो यहाँ पे काफी बड़े मच्छर है ना, देखा डेंगू तरह के जो मलेरिया मुक्त सूचना दी गई है कि ये मच्छर कहाँ पे पाए जा सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो कूलर है, टायर है, पक्षी चाट है, कोठी है, डेंगू साथ में. हाँ, मतलब देखो अवेयरनेस और यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ा मलेरिया का मच्छर यहाँ पे है. फूल बनाए हुए चारों तरफ फीस है और बीच में कुछ कप जैसा है. वहाँ पर सामने जो आप देख रहे हो वहाँ पर हनुमान जी की काफी बड़ी प्रतिमा जो फ्लावर से डिजाइन की गई है. जब वो जड़ी बूटी लेने गए थे वो पर्वत जब उन्होंने हाथ में उठाया था वो यहाँ पे दर्शाया गया है. मतलब थीम रखा हुआ है पर अच्छा. हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, सो यहाँ पर जो आप गार्डन देख रहे हो यहाँ की थीम है स्पोर्ट्स की थीम. जैसे कि यहाँ पर
एक फुटबॉल प्लेयर का पाव बनाया गया है और यहाँ पर काफी सारे कलरफुल फ्लावर्स बनाए गए हैं और यहाँ पर टेनिस गेम है जिसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अच्छा, बॉल दिया गया रैकेट है और यहाँ पर है टेनिस बॉल। ये जो गार्डन है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को डेडिकेट किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर से आग बुझा रहे हैं और पीछे फायर ट्रक खड़ा है। कितना अच्छा लग रहा है ना फायर ट्रक। ये जो पूरा गार्डन है उसे कलरफुल फ्लावर से सजाया गया है। काफी सारे कलरफुल फ्लावर्स यहाँ पे प्लांट किए हुए है। कितना अच्छा लग रहा है यार। एंटर होते ही यहाँ पर हार्ट शेप में फ्लावर्स को प्लांट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रिकोण वाटिका, त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल। यहाँ पे जितने भी प्लांट से उसे ट्रायंगल शेप में उसको प्लांट किए गए हैं। सो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये बहुत आज के मिल रहा है। वैसे फोटो पोस्ट करके खिंचवा सकते हो। यार हम गए थे वहाँ पे भी उन्होंने हाँ पेंट किया हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे येलो कलर के फ्लावर्स यहाँ पे प्लांट किए हुए हैं और गेंदे का फूल काफी अच्छा नजारा लग रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा ना ऑरेंज टाइप होता है ना, इसे पता नहीं क्या कहते हैं। ये भी वही है वैसे, उसकी होगी प्रजाति होगी और जैसे कि आप सामने देख सकते हो आई लव अहमदाबाद का लोगो बनाया हुआ है। अहमदाबाद में से डिजाइन किया हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ लेक देखने के लिए। तो अभी मैं आ गया हूँ लेक के पास। जैसे कि आप लेक में देख सकते हो काफी सारे कमल खिले हुए है। तो आपको पता चल गया होगा इस बार भी कमल की सरकार बनने वाली है। उन्होंने बीच में बता दिया मैंने किसको वोट देना है। तो यहाँ पर एक झरने जैसा बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो पत्थरों में से पानी आ रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं ग्रीन हाउस की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पर एक ब्रिज बनाया हुआ है जिसके नीचे से पानी जा रहा है एक की ओर। यहाँ पर काफी अच्छा फ्लावर का डेकोरेशन किया हुआ है। ट्री के शेप में काफी सारे फ्लावर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो वो है पेरेनियल फ्लावर गार्डन। देखते हैं कि अंदर क्या है। घरों में पहले बहुत लगा छोटे बच्चों के साथ आओगे तो यहाँ पर काफी मजा आने वाला है। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अलग अलग तरह से फ्लावर को प्लांट किया हुआ है। अच्छा एक और चीज है, जैसे लोग फूलों को देखे तोड़ते हैं ना, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा इस तरह का कुछ। येलो कलर अब तो नहीं तोड़ते लोग, व्हाइट कलर के। अच्छा देखा मैंने तोड़ते हैं। गुलाब है ना, कितना प्यारा ना येलो। ये भी गुलाब है, गुलाबी है ना, पता नहीं व्हाइट गुलाब है। गार्डन के पास ही ऐसे बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है जहाँ पर मजे के फोटोज खिंचवा सकते हो। काफी अच्छे फोटोज आएंगे और लाइटिंग भी काफी अच्छी है यहाँ पे। यहाँ पर फ्लावर का इस्तेमाल कर बनाया गया है। शीतलमुर्ग नहीं, शीतलमुर्ग है और क्या है, और क्या, हाँ वही है। अभी मैं जहाँ आया हूँ वहाँ पर सारे कैक्टस के प्लांट उगाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे चारों ओर यहाँ पे सारे ये जो प्लांट है वो कैक्टस के प्लांट है। अगर आप इसको टच करो तो आपको खून निकलेगा। ये सारे अलग अलग तरह के कैक्टस यहाँ पे प्लांट्स किए हुए हैं। आप जो देख रहे हैं वो है कंजर्वेटरी जिसे पूरे ऊपर से कवर किया हुआ है। यहाँ पर भी अभी अंदर तो नहीं जा सकते, बटरफ्लाई पार्क की तरह। यहाँ पे सामने देख सकते हो रेड कलर का प्लांट है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो बार भी बनाई गई है, पूरी फ्लावर से बनाई गई है। पिंक और व्हाइट कलर के फ्लावर से बनाई गई है।
मुझे बहुत अच्छी लगी है, सीरियसली फ्लावर्स की बहुत अच्छी शेप बनाई गई है. यहाँ पर जो फ्लावर्स है उसका मैच दिया हुआ है. अभी मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर ग्रीन हाउस था, शोकेस गार्डन है और साथ में लगते हुए दरिया है, रिवर. हाँ, सो सामने आप जो देख रहे हैं वो है लॉस्ट एंड फाउंड डेस्क और यहाँ पर मेडिकल टीम भी है. सो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो है वीवीआईपी लॉन्ज. अपने सारे फूड के ऑप्शंस अवेलेबल है. सो फ्लावर्स के पास ही एक बड़ा फूड कोर्ट है ना, फ्लावर रिलेटेड आइटम्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर प्लास्टिक के कुंडे भी नजर आ रही है, प्लास्टिक. जैसे कि यहाँ पे चेयर है, आप गार्डन में पानी वो फ्लावर्स को देने के लिए. यहाँ पर है लॉन मूवर, उससे रिलेटेड ही मैंने स्टॉल्स लगे हुए हैं. यहाँ पर सामने वर्टिकल गार्डन जैसे प्लांट्स वाले, यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो है नर्सरी जहाँ से आप फ्लावर्स परचेस कर सकते हो. सो ये था मेरा आज का फ्लावर्स और 2020. पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे यूट्यूब चैनल करण भावसार को सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ये प्लेस की मुलाकात जरूर लो. आज के फूल देख के ना मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं कभी फूलों की जो नुमाइश लगती थी वो देखने जाया करता था. काफी अर्से पहले मेरे ख्याल अभी आज से 5-6 साल पहले मैं कोई लास्ट टाइम गया होगा. और वाकई ऐसी जगह पे जाके आपको बहुत मजा आता है. और अगर ऐसी जगह की बात करें जहाँ पे आपको इतने ज्यादा थीम्स भी देखने को मिले डिफरेंट, तो वो एक जो है ना अलग ही एक्सपीरियंस होता है जिंदगी में. बिल्कुल, मुझे इस पार्क की सबसे ज्यादा जो डिफरेंट चीज लगी वो थीम्स ही लगे हैं जो उन्होंने डिफरेंट थीम्स रखे थे. लाइक जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में देखा गांधी जी का रखा हुआ था, फिर उसके बाद हम लोगों ने जो क्या बोलते स्पोर्ट्स का देखा, फिर उसके बाद हम डेंगू मलेरिया का देखा, फिर फायर का देखा, और फिर उसके साथ हम लोगों ने बजरंग बली हनुमान जी का भी देखा जिस तरीके से फ्लावर्स से बहुत खूबसूरत बना था और उसके पीछे भी एक स्टोरी थी जो कि मतलब अच्छा लगा. अब हम लोगों को तो नो डाउट पता नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने थोड़ा सा बताया तो हम लोग एक आइडिया हो गया कि हाँ उसके पीछे भी एक कोई स्टोरी होगी. लेकिन और फिर उसके बाद वो जो एक बार्बी डॉल सी बनी है बहुत प्यारी. अच्छा, जितने भी उन्होंने बीच में चीजें डेकोरेट की है, बेशक वो हनुमान जी हैं, बेशक वो बार्बी हैं, या बेशक वो शीतलमुर्ग का उन्होंने अवतार जिसका भी बनाया है, वो सब जो जिस फ्लावर्स उन्होंने डेकोरेट किया ना, जो थीम उन्होंने उठाया है वो सब थीम बहुत अच्छे, कलरफुल और उस कैरेक्टर के हिसाब से बहुत अच्छे थे. बिल्कुल. और फिर पता क्या, अभी मैंने भी पहले देखे हुए फ्लावर एग्जीबिशन देखी हुई है, लेकिन मैंने फ्लावर एग्जीबिशन कभी मतलब मेरा हाल में कभी बहुत ज्यादा मैं कभी नहीं गई. आई थिंक मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम पर मैं कब गई होंगी. मेरा ख्याल है साथ ही हम गए थे, कोई 5-6 साल पहले ही गए थे. हाँ, तकरीबन. लेकिन ये कि हाँ, इसमें एक जो सेक्शन बनाया हुआ था जो कवर्ड था, यहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है बोटेनिकल पार्क. हाँ, बोटेनिकल पार्क है वो, और उसमें बटरफ्लाई पार्क बना हुआ है, वो इसी तरीके से कवर्ड है, उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं और वो भी बहुत खूबसूरत है, और उसको देखकर हम लोगों को हमें वो याद आ गया था. और अच्छा, यहाँ पे अगर बात करना तो मुझे जरा एंट्री टिकट जो वो मुझे थोड़ी महंगी लगी है. मेरा तो वैसे यही ख्याल है कि एंट्री टिकट ऐसी चीजों की नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो जो जैसे वो बोटेनिकल पार्क है ना, उसकी एंट्री टिकट ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर उन्होंने वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये मौजम का वैसे अपना ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है कि होनी चाहिए. और उसकी रीजन ये है कि आप गवर्नमेंट पर क्यों बर्डन डालो इतना, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है. लाइक इसमें भी जैसे बताया कि 2 करोड़ उसपे खर्च किए, तो उन्होंने भी तो उसको रिकवर करना है ना. वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हम पार्क्स में जाते हैं जब लगती है नुमाइश लगती है तो फ्री एंट्री होती है. गलत है, मेरे लिहाज से गलत है. मुझे ऐसा लगता है होना चाहिए. अभी हाँ, ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि इतना रीजनेबल होना चाहिए कि हर कोई अफोर्ड कर सके. जैसे कि 20 रुपीज इनफ है, 50 ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट होगा तो वो 100+ चला जाएगा. ठीक है, उसके लिहाज से वाकई में मैं भी मानती हूँ कि वो थोड़ा महंगा हो जाएगा. तो अदरवाइज मिनिमम या कुछ ऐसा रीजनेबल अमाउंट जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी गवर्नमेंट पर ना बर्डन नहीं डालना चाहिए, बल्कि आपको कंट्रीब्यूट करते रहना चाहिए. ये तो वैसे बेसिक चीजें हैं जो गवर्नमेंट
जो है प्रोवाइड करती है एंटरटेनमेंट अपनी पब्लिक को, पब्लिक टैक्स भी तो पे कर रही है ना, तो छोटी छोटी खुशियां तो फ्री में मिलनी चाहिए ना। 25 रुपए फ्री में खुशी है आजकल के टाइम, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत महंगा, बट ये कि अपनी अपनी ओपिनियन है। चले मुझे 20 रुपए 50 रुपए के नोट सारे मुझे दे दें अपने, क्योंकि हर इंसान की अपनी, मेरी सोच ये है कि आपको पे करना चाहिए, वो जरूरी है। एनीवे अगर हम ओवरऑल बात करें, बहुत खूबसूरत था, लेक बहुत अच्छी थी। अच्छा दूसरा मुझे लगता है जैसे उन्होंने मैप दिखाया था, दरिया के किनारे में ही बनाया गया है, नाम भी तो रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क है। तो ओवरऑल जो है बहुत अच्छी प्लेस है घूमने के लिए, फैमिली के लिए, क्योंकि हर किस्म की सुविधा बीच में दी हुई है, बीच में स्टॉल्स भी है, फूड स्टॉल्स भी है, उसके अलावा अगर आपने जो हाँ फर्स्ट एड भी है, और उसके अलावा अगर कोई खो गया वो भी है। मैं उसके स्टॉल की बात कर रहा था, फ्लावर्स के स्टोर की जो है, जहाँ पे आपको सीड्स वगैरह या उससे रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। फिर सबसे मजे की चीज के अंदर नर्सरी भी थी, जहाँ से आप जाके प्लांट्स खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। हमारे घर में एक बंदा है, अगर वो ऐसी एग्जीबिशन में जाना तो सबसे पहले नर्सरी में जाएगा। मतलब मेरी बहन को प्लांट्स मतलब खरीदने का काफी शौक है, और वो मतलब खरीदती भी है घर में जितने भी प्लांट्स होने की वजह से। तो लेकिन मैं उनको ये बोलती हूँ कि अगर उनका बस चल रहा ना, तो इतने सारे प्लांट्स लगाएं कि वो प्लांट्स को अपना बच्चा बना लेंगे। वो कहेंगे, उनसे बातें करेंगी, है मेरा बेबी छोटा सा ये ना, उनको बहुत ज्यादा शौक है प्लांट्स का, जो कि बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। मेरे और मौजूद जैसे नहीं है कि मतलब, लेकिन वैसे ही नहीं, हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ सही बात है, वो करती हैं बिल्कुल। लेकिन ये कि हाँ ओवरऑल अगर देखा जाए पार्क की जो थीम है, उसके हिसाब से जितनी सुविधाएं थी वो सब मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की हुई थी, प्लान्ड चीजें लग रही थी, एक प्रॉपर होमवर्क के साथ की गई है। एनीवे ओवरऑल हम लोगों को बहुत मजा आया देखने का, आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके साथ हम लोग ये बात भी कर रहे थे वीडियो देखने के बाद कि हम लोग जितनी भी अभी वीडियोस हम लोगों ने मतलब पिछले दिनों में देखी है, हम लोगों को गुजरात में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नजर आई है बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने भी बोल दिया कि उन्होंने, मेरा ख्याल आने वाले टाइम में वोट किसको देना है कमल कपूर, तो ये तो मेरा ख्याल इलेक्शन से पहले की ना, जो रिसेंटली इंडिया में इलेक्शन हुए हैं, हाँ उससे पहले की होगी, क्योंकि जनवरी की है ना, दिसंबर से जनवरी तक लगता है, उन्होंने बीच में जिक्र भी किया है, तो पहले की है, तो मे भी हो सकता है। लेकिन ये कि मुझे ये हुआ कि उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि मैंने किसको वोट करना है। और इसके अलावा अगर हम लोग को कभी मौका मिला तो हम लोग भी मौजम जरूर जाकर बटरफ्लाई पार्क का एक व्लॉग बनाकर आपको जरूर दिखाएंगे। अच्छा लाहौर वाले बटरफ्लाई पार्क का, मुझे इधर जाने की बात कर रहे हैं, छोटी सी जिंदगी कितना घूमेंगे। तो इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियोस लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर, शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। एंड जाने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि आज होली का पहला दिन है, सो हमारी तरफ से हैप्पी होली। और कल हम भूल गए थे कहना वुमेन्स डे, तो सब औरतों को हमारी तरफ से वुमेन्स डे हैप्पी हैप्पी। हां मैंने वैसे पोस्ट लगाई थी, लेकिन ये कहना भूल गए थे, हम लोग अपनी वीडियो में कहना भूल गए थे। तो सबको भी होली की शुभकामनाएं, और अब हमें दें इजाजत, अब हमें दें इजाजत, हमारी वीडियोस को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और हमारी वीडियोस को करें share and keep us in your prayers. Till then, goodbye.